चलिए दोस्तों, मैप्स आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग क्या होंगे, ठीक होंगे। अभी तक हमने परसेंटेज के दो पार्ट पढ़ लिए हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, परसेंटेज निकालना सीखा था और याद करना सीखा था। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था कि बेस क्या मानते हैं, परसेंटेज निकालेंगे किस पर। और ये तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में आपकी जितनी भी बुद्धि आपने फर्स्ट और सेकंड में ली है वो यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपकी क्या होगा, ये आपकी एक्सरसाइज होगी, तो आपको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 11वां क्वेश्चन है, यदि ए के 30% में बी का 40% जोड़ा जाए तो बी का 80% प्राप्त होता है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको, 12वां क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के समान है, यदि दोनों संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो जो इसे कर सकते हैं वो करें, रफ कॉपी उठाएं, पेन उठाएं और इसे करें। देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो 11वां क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें कहा कि ए के 30% में, ये ए का आपका 30% में क्या किया जाता है, बी का 40% जोड़ा जाता है। किसका, बी का कितना परसेंट जोड़ा जाता है, 40% जोड़ा जाता है। तो बी का क्या होता है, बी का 80% प्राप्त होता है, यानी बराबर में जो बी का कितना परसेंट, 80% प्राप्त होता है। अब यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से आप प्रतिशत हटाओगे, प्रतिशत हटाओगे, बटे में क्या आ जाएगा, 100। यहाँ भी क्या आ जाएगा, बटे में 100। यहां भी प्रतिशत हटाओगे क्या आ जाएगा, बटे में 100। अब आप यहां से क्या करेंगे, आप यहां से एक चीज कर लीजिए कि यहां से आप 100 कॉमन ले लीजिए, 100 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30A + 40B। यहां से आपने क्या किया, 1/100 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ऐसे ही बराबर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80B/100। अब 100 से 100 यहां पे आप क्या करेंगे, काट देंगे। और इसके बाद आप यहां से क्या करेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे, यहां से 10 कॉमन ले लेंगे, तो ये 10 कॉमन लिया तो क्या हो गया, 3A + 4B बराबर क्या हो गया, यहां से भी 10 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 8B। अब 10 से 10 काट दीजिए तो क्या आ गया आपका, 3A + 4B = 8B। अब इस 4B को इस साइड ले जाएंगे, इस 4B को किस साइड ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3A = 4B इस साइड जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 4B आ गया। इसके बाद B को ले आइए आप इस साइड, तो क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा। और 3 को ले जाइए इसके नीचे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये आपका रेशियो आ गया। इसके बाद ए और बी का क्या आ गया, रेशियो। इसके बाद उसने आपसे पूछा है कि बी ए का कितने प्रतिशत है, जो बी है आपका वो ए का कितने प्रतिशत है। तो बी, बी किसका, ए का, आधार किसे मानोगे, ए को, कितना प्रतिशत है, बी क्या है, 3। तो 3/4 मैंने आपको बताया है कितना होता है, 75%। और ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से भाग देंगे, 25 बिट जाएगा, 25 × 75, ये 75% आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ये आपका 11वां क्वेश्चन हो गया, इसे आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग आराम से करेंगे, जो आपको दिया है वो रखते जाना। इतनी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं वहीं भी करा सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए क्या किया जाता है, कैलकुलेशन कराई जाती है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। अब जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप में आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं कराई जाएगी, इसके बाद आपको शॉर्ट में सवाल कराया जाएगा, इतनी कैलकुलेशन आप लोग भी कर सकते हो। तो ये आपने क्या कर लिया होगा, 11वां क्वेश्चन कर लिया होगा आपने नोट, तो इसे मिटाते हैं और 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि 12वें क्वेश्चन में आपसे कहना क्या चाहता है। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, 12वां क्वेश्चन करेंगे, जो लोग कर सकते हैं वो 12वां क्वेश्चन करें, जो नहीं कर सकते हैं वो देख सकते हैं, और बने रहे, अभी बहुत मस्त मस्त सवाल होने वाले हैं। अब 12वें क्वेश्चन में क्या क्या है, यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का, अब बड़ी संख्या मान लेते हैं,
हम दो संख्याएं मान लेते हैं, पहली हमने एक मान ली और ये दो मान ली, इसमें से बड़ी कौन सी है, इसे हमने बड़ी मान ली, दूसरी संख्या को क्या मान लिया कि दूसरी संख्या हमारी बड़ी संख्या है। तो वो क्या कह रहा है आपसे कि बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या क्या मानी आपने, दूसरी बड़ी संख्या मानी, इसका कितना 40%, 40% यानी 40/100 छोटी संख्या के 60% के बराबर है। छोटी संख्या क्या है आपकी, एक, ये आपने क्या मानी थी, रोमन में एक मानी थी, इसका कितने 60% के बराबर है। 100 से 100 काट दीजिए, 20 से कम 20, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, क्या आ गया, ये आ गया आपका 2, यहाँ पे आ गया आपका 3 और पहली संख्या। अब इसको लाइए आप यहाँ या इसको ले जाइए यहाँ, तो क्या होगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या बराबर में 3/2। इसके बाद उसने कहा है कि यदि दोनों संख्याओं का योग कितना हो, 150 हो, तो दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5, 5 का मान कितना है 150, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 5 15 यानी 30 5 150, 1 का मान आ गया कितना 30। तो उसने पूछा है कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या आपने किसको माना था, दूसरी संख्या को बड़ी संख्या माना था, और दूसरी संख्या को बड़ी संख्या माना था आपने, यहाँ पे 2/3 होगा, क्योंकि इसको इसको आप इसके नीचे ले जाओगे और इसको इसके नीचे ले जाओगे, यहाँ पे आप एक बार देख लें, ये 2 है आपका, तो ये आएगा इसके नीचे, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, और 3 जाएगा इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा 2/3 ऐसे। तो 1 का मान आपको 30 दिया है, आपको क्या निकालना है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का मान कितना है 3, तो 3 का मान निकालना है, 3 × 30 कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 90 आपकी बड़ी संख्या आ गई। और यहीं पे वो आपसे पूछ लेता कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का मान कितना है 2, तो 2 का मान आप निकाल लेते, 2 × 30 कर देते, यानी छोटी संख्या आपकी 60 आ जाती, बड़ी संख्या 90 और छोटी संख्या 60 है, दोनों को मिला के 150 हो रहा है, हाँ दोनों का टोटल भी 150 हो रहा है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे, आराम से आप लोगों ने इन्हें सॉल्व किया होगा। अभी जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, अभी आपको ये छोटे छोटे से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसके बाद जो आपका लेवल होगा बढ़ता जाएगा, धीमे धीमे क्रम बाई क्रम तरीके से चलते हैं, आप जीना से चढ़ोगे ना तो सीढ़ी बाई सीढ़ी ही ऊपर जाओगे, अगर आप बमक के ऊपर जाते हो तो कभी क्या होता है कि पैर चूक जाता है और दांत टूट जाते हैं, तो इसलिए सीढ़ी बाई सीढ़ी जाना है ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, 13वां और 14वां क्वेश्चन आपको दिया है, ये दोनों क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या आपको ज्ञात करनी है कि कौन सी संख्या प्राप्त होती है। यदि किसी संख्या का 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। इसे आप लोग दो टाइप से सीखेंगे, इसे हम दो टाइप से कराएंगे। तो पहला क्या है आपका, 13वां क्वेश्चन है, तो इसे देखिए आप लोग, पहला आप देखेंगे कि यदि किसी संख्या का 80%, अब हमने संख्या मान ली कि संख्या x है, x का 80%, 80/100 को क्या किया जाता है कि 80 में जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, कौन सी, यानी x ही आपको प्राप्त होता है। तो आप यहां से क्या करेंगे, 20 × 80 और 20 × 5 = 100, तो क्या हो गया, 4xy5 + 80 = x। अब यहां पे क्या करेंगे, अब 5 का ले लेंगे एलसीएम, 5 का क्या ले लेंगे, एलसीएम, 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 5 का इसमें जाएगा क्या हो जाएगा, 4x + यहां पे 1 × 5 बह जाएगा, 8 × 5 = 40 यानी 400 = x। अब x चला जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा, 4x + 400 = 5x। अब 4x इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, x = 400, तो वह संख्या जो आपकी थी वो कितनी थी, 400 थी। ये तो हो गया आपका पहला मेथड। इसके बाद आप लोग सोच के देखिए थोड़ा,
थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए कि अगर वो आपसे कह रहा है कि 80% यानी 80 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या परसेंटेज में क्या होता है? 100। परसेंटेज में क्या होता है? 100% संख्या वही होगी तो आपकी 100 होगी। अब 100 पे आप या घटा दीजिए या बढ़ा दीजिए, 100 में क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए या घटा लीजिए, तो संख्या क्या है आपकी? 100% है। लेकिन 80 में कितना? 80% में 80 जोड़ने पर 100 हो रहा है, यानी 80% तो आपका है। और ए 80 कितना है? ए 80 किसके बराबर है? अगर इस 80 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? 20 के बराबर। यानी जे आपका 20% है 80। आपको निकालना क्या हुआ है? संख्या, संख्या क्या होती है? 100 होती है। तो 100% निकालोगे तो क्या करोगे? 80 जिसका निकालना है उसका गुणा, जिसका दिया है उसका भाग। तो 20 चौको 80, 4 में 100 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 400। सरल सी बात है। इसके बाद देखेंगे आप 14वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 14वां। इसमें आपसे कहा गया है कि यदि किसी संख्या का 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है। वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब मान लीजिए कि आपकी संख्या x है, x में 60% यानी 60/100 में से कितना घटा रहा है? 60 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 60 हो रहा है। अब इस साइड 60 क्या होगा? ये 60 है जो आपका इस साइड आ जाएगा। तो क्या इससे आप काट दीजिए, 20 + 60 और 20 × 5 = 100, तो 3x / 5 = 120। अब 3 से इसे काट दीजिए, कितना बचा? 40। तो क्या हो गया? x / 5 = 40 हो गया। और जब x का मान निकालोगे तो 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया? 20 × 5 = 200। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो x बराबर कितना आ गया आपका? 200। और इसे आसान करके बहुत अच्छी सी आप लोग ट्रिक से देख सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं। आसान सी ट्रिक से देख लीजिए। अब इसके बाद उसने आपसे 14वें क्वेश्चन में क्या कहा है? आपसे कहा है कि यदि x का कितना है, x के मान लीजिए कि 60% से 60 घटा दिया जाता है तो 60 प्राप्त होता है। अब देखिए आप लोग, 60% से 60 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है। लेकिन आप क्या करेंगे, 60% बराबर ये 60 इस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120। 60% 120 से आपको निकालना कितना है? 100%। निकाल दीजिए, 120 में गुणा कर दीजिए 100 का, जिसका दिया है उसका भाग होता है। 60 × 120 कितना आ गया? 200। बस आपको सोचना है, जितना आप सोच सकते हैं उतना सोचिए, और जितना आप सोचेंगे उतना ही आपको आसान लगने लगेगा। आपको प्रैक्टिस भी करना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आसान नहीं लगेगा। कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, 100% परफेक्ट कुछ नहीं होता है जब तक आप उसे 100% परफेक्ट बना ना दें। तो आपको परफेक्ट से परफेक्ट बनाना है, वो आप ही पर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं और कितना आप इसे लगाते हैं। इसके बाद आप इसी पर आप भी अपने अपने तरीके से कर सकते हो। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आपकी बुद्धि का होगा विकास। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। 15वां क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से क्या है? कम है। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? इसके बाद 16वां क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज़्यादा हैं तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? ये आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं और आप लोग आराम से कर सकते हो। इसमें आप क्या बनेगा? आपका रेशियो बनेगा, और रेशियो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो वो बात अलग है। तो पहले आप 15वां क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या, तो पहले हम तीन संख्याएं ले लेते हैं, पहली दूसरी और ये तीसरी। तो दो संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः क्या है? कम है। तो हमने मान लिया कि तीसरी संख्या हमारी 100 है। तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। अब 100 से क्या करेंगे? 100 से पहली संख्या आपकी 32 कम है यानी 68 है,
और दूसरी संख्या कितनी है, 100 से 20% कम है, यानी दूसरी आपकी 80 है। तीसरी संख्या क्या मानी हमने, तीसरी संख्या हमने 100 मानी, तो 100 से जो पहली संख्या है आपकी 32% कम है, तो 100 पे 32 कम करोगे कितना आ जाएगा, 68। और ऐसे ही दूसरी संख्या पे जब आप कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसके बाद उसने कहा है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, यानी जो आपकी ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका कि बेस किसे मानोगे, तो क्या कहा है, दूसरी संख्या की, तो की लगा है ना, ऑफ का की के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 बेस मानोगे, किसका, 68 गुणे क्या कर दोगे, 100, 20 पंचे 100 और 20 चौको 80, 4 से इसे काट दीजिए, 17 चौको 68 और 17 अपन 85 कितना आ गया, 85%। कौन सा है, ऑप्शन सी। इसके बाद आप लोग ये जो 16वां क्वेश्चन है आप लोग सेम ऐसे ही करना है, तो इसे करें करें, इसे आप कर सकते हैं आराम से। चलिए तो 16वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं आपका, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ये आपका 16वां क्वेश्चन है, दो संख्याएं 25 और 20 प्रतिशत ज़्यादा हैं, फिर वही काम करना है, पहली दूसरी और तीसरी संख्या मान लेनी है। अब क्या करना है कि जो दो संख्याएं हैं आपकी, तो तीसरी संख्या हमने क्या मान ली, तीसरी संख्या हमने क्या मान ली, तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, तो क्या है, पहली संख्या आपकी इससे 25% बड़ी है, 100 पे 25% बढ़ाओगे 125 हो जाएगा, और दूसरी संख्या कितनी है, 20 है, तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसके बाद उसने कहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, अब जो आपकी ये दूसरी संख्या है ये पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो ये आपको निकालना है कि ये कितने प्रतिशत कम है। अब आप लोग आराम से निकाल सकते हो, तो यहाँ पे देखिए, दूसरी संख्या से पहली संख्या कितने प्रतिशत, यानी जो, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, जो दूसरी संख्या है ये पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो यानी यहाँ पे तो आपकी 5 कम है, 5 कम है, किससे, आधार किसको मानोगे, पहली संख्या को, 125 गुणे 100, अब 5 से इसे काट दीजिए कितने बार जाएगा, 25 बार, 25 से इसे काट दीजिए कितने बार जाएगा, 4% कम है, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से 4% क्या है आपकी, कम है। तो ये आ गया आपका आंसर 16वां। यहाँ पे आपको दिया है, देखिए यहाँ पे आपको कितने प्रतिशत कम दिया है, और यहाँ पे आपको दिया है कि कितने प्रतिशत है, सिर्फ कितने प्रतिशत है, यहाँ ना आपकी कमी हुई है ना वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पे कमी हुई है, तो इसे भी आपको ध्यान लगना है, ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है, धीमे से पढ़ना है देखिए, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में गलती कहीं भी कर सकते हो, तो ये गलतियों से आपको बचना है, छोटी छोटी गलतियाँ आगे चल के बड़ी हो जाती हैं। अगर यही आपको बड़े क्वेश्चन में दे दिया जाता तो आप परसेंटेज ही गलत निकालते, तो उसके बाद क्या होता, क्वेश्चन गलत होता, 100% क्लियर ही है वो तो कि गलत होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग। दो संख्याएं 8 सही 1/3% और 12 सही 1/2%, ये आपको इनका प्रतिशत आपको याद करा दिया गया था, जिन लोगों ने याद नहीं कर पाया है या पहली क्लास नहीं देखी है वो जाके देख लें, तभी आपको इसके आगे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में 37% है, 37.5% है, 37.5% आपने याद नहीं किया होगा तो क्या कर सकते हैं, उसमें क्या होता है 37.5% बताइए आप लोग, क्या होता है 3/8, 8 सही 1/3% क्या होता है 1/12, और 12 सही 1/2% यानी 12.5% क्या होता है, फिर फ्रैक्शन में बताइए भिन्न में क्या होता है मान इसका, 1/8 होता है। अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है पहली क्लास तो जाइए देखिए, वहाँ पे बेहतरीन तरीके से परसेंटेज सिखाया गया है, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा किसी ने परसेंटेज आपको बताया होगा। देखिए दो संख्याएं
आठ सही 1/3% और 12 सही 1/2%, क्रमानुसार तीसरी संख्या से क्या है, कम है। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो ये देखिए आप लोग आराम से कर सकते हैं इसे। अब आपसे कहा है कि आप पहले तो मान लीजिए एक संख्या, दो और ये तीन, यानी ये आपकी तीन संख्याएं हैं। क्रमानुसार तीसरी संख्या से कितना है, कम है। तो आठ सही 1/3% क्या होता है, 1/12, और 12 सही 1/2% कितना होता है, 1/8। यानी जो आपकी तीसरी संख्या है ये है 12। अब 12 से कितना कम है, 12 पे एक कम है, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 11, और जो दूसरी संख्या है वो 12.5% क्या होता है, 1/8। तो 8 में से एक कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये दूसरी संख्या कितनी बचेगी, 7 बचेगी। अब इसके बाद आप इसका रेशियो नहीं निकाल सकते, कितने अच्छे तरीके से आपको रेशियो बताया है। ये तीसरा है, तीसरे में क्या दिए हमें, दो वैल्यू अलग अलग दिए हैं, लेकिन जो अपन को क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है। तो ऊपर कर देंगे 2 का गुणा, नीचे कर देंगे 3 का गुणा, 12 दूनी 24, 8 3 24, ऐसे ही यहाँ पे कर दोगे, ऊपर वाली पूरी रो में करोगे 2 का गुणा और यहाँ पे नीचे करोगे 3 का। अब यहाँ से आप रेशियो नहीं निकाल सकते, 11 दूनी 22, 7 3 21, 8 3 24, 12 दूनी 24, यहाँ तक आपने निकाल लिया रेशियो। इसके बाद पूछा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या से, किससे, दूसरी संख्या से, बेस क्या है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या सबसे पहले आप बेस लेंगे, से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है भैया बताइए, प्रथम संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 1% ज्यादा है। कितना ज्यादा है इससे बताइए, ये 21 है, ये 22 है, एक ही ज्यादा तो होगा, इंटू क्या कर दोगे 100, बराबर कितना आ जाएगा, 21 चौको 84, यानी 4 सही 16/21%, ये आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही आप लोग इसके बाद करेंगे 18वां क्वेश्चन, सेम ऐसे ही करेंगे। यदि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है तो वह संख्या 132 हो जाती है, तो असली संख्या क्या है, अब बताइए गुरु की असली संख्या क्या है। तो बड़ा कितना रहा है, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि 37.5% होता क्या है, होता कितना है, इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे आप लिख सकते हो 3 × 12 = 12, 12 3 36, 5 3 15 1 37, 37.5 हो गया। अब 12.5 तो आप जानते हो कितना होता है, 1/8, तो 3 × 1/8 क्या हो गया, 3/8। लेकिन उसने कहा है कि ये 8, ये 3/8 है, ये 8 से कितना 3 बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो जाता है 11, 8 पर 3 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 11, लेकिन ये बढ़ने पर आपका मान जो होता है 132 हो जाता है। एक का मान निकाल लोगे, 11 से इसे काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। पूछा क्या है असली संख्या, असली संख्या क्या है 8, 8 का मान पूछा है, तो 8 × 12 कर दीजिए, 8 × 12, 12 8 96, ये आ गई आपकी तीसरी संख्या, असली संख्या आ गई आपकी 96। तो इस पर बेस्ड आपको सबसे पहले देखो, बार बार कहा जा रहा है कि परसेंटेज याद करना है, अगर परसेंटेज याद नहीं करोगे, आपका पहला जो पार्ट पढ़ाया है वो परसेंटेज का ही पढ़ाया है कि परसेंटेज कैसे याद करना है, 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3, 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3, और 3/4 75%, 1/6 16%, 16 सही 2/3%। इसके बाद आपसे कहा गया 15%, तो 15% क्या होता है 6 सही 2/3%, 16% 6 सही 1/4%, ऐसे ही आपको इसे याद करना है। देखिए जब आप ऊपर की मंजिल तक जाते हैं तो जीना एक एक वन बाई वन करके चढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि आप ऐसे करते हैं कि खट्टे आप 4 जीना चले गए,
अगर गुरु ऐसा करोगे इकट्ठे आप अगर चार चार जीना चढ़ रहे हो तो एकाध बार आपका पांव फिसलेगा, जैसे ही आपका पैर वहां से चूका और आपका दांत क्या हुआ टूटा। तो इसी पे ध्यान रखना है, देखो आपको क्रम बाय क्रम तरीके से चलना है आगे, दांत नहीं तोड़वाने गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। देखिए 19वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक संख्या से 72 घटाने पर वह असली संख्या की 42 सही 6/7 प्रतिशत हो जाती है, तो असली संख्या बताइए। अब मैं आपको 42 सही 6/7 प्रतिशत नहीं बना बताने वाला कि कितना होता है, ये आपको पहली क्लास में जाके ही देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी नहीं मैं बताने वाला कि 16 सही 2/3 प्रतिशत क्या होता है। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोग करेंगे इसे दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड देखिए आप लोग, 19वां क्वेश्चन है, इसमें पहला मेथड देखेंगे कि एक संख्या से 72 घटाने पर, आप मान लीजिए कि कोई संख्या एक्स है, एक्स में से 72 घटाने पर वह असली संख्या का, असली संख्या क्या है आपकी, असली संख्या की 42 सही 2/3, तो 42 सही 6/7 प्रतिशत क्या होता है, 3/7 होता है। ये आपको नहीं मैं बताने वाला कैसे आया कैसे निकाला, पहली क्लास जाइए वहां देखिए, वहां से आप पता कर सकते कैसे निकाला। तो इसका क्या हो जाता है 3/7 एक्स, यानी असली संख्या आपकी एक्स है और इसका इतना हो जाता है। तो इसके बाद क्या करेंगे आप, 7 का करेंगे देंगे त्रयक गुणा, तो क्या हो जाएगा 7x-7 2 14 4 47 49 150 बराबर क्या हो जाएगा 3x। अब 3x आपका इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 7x-3x ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 504। अब 4x बराबर कितना आ गया 504 आ गया, 4x बराबर कितना आ गया 504 आ गया। अब 4 से आप इसे काट दीजिए, 4 एकम 4 बचा क्या 1, अंका उतार दिया 0, यानी 4 दूनी 8 बचा क्या 2, क्या बचा 2, तो 4 छिंग 24, तो x बराबर क्या आ गया 126, ये आ गई आपकी असली संख्या। लेकिन हमें इतनी डिटेल से नहीं करना है, हमें क्या करना है इतनी डिटेल से नहीं करना है, हमें जाना है बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से जाएंगे आप लोग, तो 42 सही 6/7 प्रतिशत क्या होता है 3/7। ये क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है कि घटाने पर इतना, यानी क्या कह रहा है कि एक संख्या से 72 घटाने पर वह असली संख्या की, असली संख्या की 42 सही 6/7 प्रतिशत हो जाती है। तो इन दोनों का अंतर क्या है, आप इसमें से घटाइए कितना बचेगा 4, 4 का मान कितना दिया है आपको 72, असली संख्या निकालनी है किसका निकालना है, एक का मान निकाल लीजिए पहले, तो 4 एकम 4 बचा क्या 4 8 32, एक का मान आ गया, असली संख्या क्या है 7, 7 का मान निकालना है आपको, तो क्या करोगे 7 × 18 कर दोगे कितना आ जाएगा 126, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही आप 20वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग करें, सबसे पहले तो 20वां क्वेश्चन करेंगे आप लोग, यहां से आप पैटर्न बी डाल लीजिएगा जो आपको बताया था, आपको पैटर्न बी में क्या कहा था कि ए बी से, ये दूसरा टाइप था आपका, दूसरा टाइप लिख लीजिए या पैटर्न लिख लीजिए, कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये वही क्वेश्चन है उसी का। यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3 प्रतिशत कम है, तो राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत ज्यादा है। सबसे पहले लिखेंगे आप प्रिंस और यहां पे लिखेंगे आप राहुल, ये प्रिंस और राहुल हैं आपके, और 16 सही, ये 16 सही 2/3 प्रतिशत आपका क्या होता है 1/6 होता है। तो उसने कहा है कि प्रिंस की आय राहुल की आय से, यानी जो प्रिंस की आय है, प्रिंस की आय है कितनी 6, प्रिंस की आय से राहुल की आय क्या है 1 कम है, तो राहुल की आय अब किसकी कह रहा है,
तो राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब आपको यहां देखना है कि बेस किसे मानोगे, बेस में आप 5 रखोगे या 6 रखोगे। यहां पे जो आप बेस मानते हो तो इसमें आप क्या रखोगे, 5 रखोगे या 6 रखोगे। अब यहां पे आप क्या कह रहा है कि राहुल से, किससे, राहुल की, तो देखिए तो राहुल की आय किससे, प्रिंस से। बेस किसे रखोगे, बेस किसे रखोगे, राहुल की आय किससे, प्रिंस से, तो किसे रखोगे, राहुल को। कितनी कितनी याद देखे, 1, कितनी याद देखे, 1 गुणा किसका कर दोगे, 1/5। वैसे भी आपको पता कि 20% होता है। अब आप यहां पे देखो, आपने बेस रख लिया, थोड़ा बेस रखने में आपको दिक्कत आ रही थी, मान सकता हूं, लेकिन आप देखिए बेस रखने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। बोलिए कैसे, ऐसे कि अगर आपसे कम पूछे या ज्यादा पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखिए, आप 1/ जैसे आप मान लीजिए कि आप जैसे 1 रखते और 6 रखते, तो 1/6 क्या होता है आपका, 16 सही, 2/3 होता है। तो ये तो आप रख ही नहीं सकते, बेस में आप 6 तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बेस में आप 6 रख दोगे तो आपकी परसेंटेज वही आ जाएगी जो आपको दिया है। लेकिन उसने पूछा है कि प्रिंस से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आप बेस में क्या रखोगे, बेस में आप 5 रखोगे, तभी तो आएगी ज्यादा। और 1/5 कितना होता है, 20%। अगर आपकी इससे यही वैल्यू आ रही तो बेस में ये रखोगे, अगर इसकी वैल्यू दी है तो बेस में ये रखोगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। यही दिक्कत हो जाती है, बेस रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, चलिए दोस्तों बिल्कुल सेम इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 21वां क्वेश्चन है, यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42.67% अधिक है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितने प्रतिशत कम है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है आपका कि सोनू का वजन 76.27 kg है और राजा का वजन सोनू से 28.47% कम है, तो सोनू का वजन राजा से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। आराम से आप लोग कर सकते हो। देखिए 21वां क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है कि आपके पास ये टावर ए है, ये टावर आपका कौन सा है, ए है, और ये आपके पास एक टावर बी है, एक टावर ए है और एक टावर बी है। आपको दिया है कि 42.67% कितना होता है, 3/7 आपको बता दिया गया था, कितना होता है, 3/7 होता है। तो टावर ए की ऊंचाई टावर बी की बी से, टावर ए की बी से कितना, इतने अधिक है, यानी जो टावर ए है ये बी से, तो टावर ए क्या होगा, 7, यानी इससे कितने अधिक है, 42.67, तो कितना होता है, 3/7 होता है, तो 7 से 3 अधिक है, तो बी तो हो गया आपका 7 और ए कितना है, 10 है, ए कितना है, 10 है। अब इसके बाद पूछा तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितने प्रतिशत कम है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितने प्रतिशत कम है, किससे, ए से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे तो आपका 3 कम है और यहाँ से पूछता कि बी की ऊंचाई टावर ए से कितनी अधिक है, तो यहाँ पे आप प्लस करते, क्या करते, प्लस करते। लेकिन आप यहाँ पे क्या लिया था, आधार, यहाँ पे आपका आधार 7 लिया गया था, तो इसमें कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है। आधार क्या लोगे, आधार पहला वाला लोगे, किससे कम है, ए से कम है, तो आधार क्या लोगे, ए लोगे, या वैसे भी आप मान सकते हो कि अभी जो आपको परसेंटेज दी गई थी इसमें आधार 7 था, तो हमें ए आधार नहीं लेना है, क्योंकि एक में वृद्धि हो रही है और दूसरे में कमी पूछ रहा है। ध्यान रखना है आपको गुरु कि एक में वृद्धि हो रही है, दूसरे में कमी पूछ रहा है। एक बार हम ये आधार ले चुके हैं, अब हम ये आधार नहीं लेंगे, अब हम आधार 10 लेंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पे गुणा कर दोगे 100 का, कितना आ जाएगा, बिंदी से बिंदी काट दोगे, 30% कम है, कौन सा, ए। ऐसे ही सेम आप 22वां देखेंगे, 22वां क्वेश्चन आपको दिया है सोनू का वजन 76.27 किलोग्राम क्या है, 7 किलोग्राम है। ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया है,
यहाँ पे आपसे क्वेश्चन फिरकी ले रहा है गुरु, इस केजी मेजी का कोई यूज नहीं है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और राजा का वजन सोनू से, क्या कह रहा है कि राजा का वजन किससे, सोनू से, कितने सोनू से, 28 सही, कितना 28 सही, 4/7 कितना होता है 2/7, यानी क्या होता है 28 सही 4/7 प्रतिशत कितना होता है 2/7 होता है। तो राजा का वजन सोनू से इतने प्रतिशत कम है, यानी जो राजा का वजन है सोनू से, सोनू का या 7 मानेंगे, 7 में आपका 2 कम है तो इसका कितना हो गया 5। इसका क्या है, 7 में आपका 2 कम है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला आपका जो होता है कुछ भी चीज़ दी जाए ये आपकी वही संख्या होगी, वही मान होगा, वही प्रिंसिपल मान लीजिए आप, जो भी मानेंगे क्रय मूल्य मान लीजिए, नीचे वाली आपकी वही होगी। तो सोनू से राजा का वजन कितना कम है, 28 सही 4/7 ये कम है, तो अगर आप परसेंट में भिन्न में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 2/7, लेकिन भिन्न में तो हमारा 2 कम है, भिन्न में कितना कम है 2 कम है, 7 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, राजा का 5 और सोनू का 7। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो सोनू का वजन राजा से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, अब सोनू का वजन पूछा है कितने प्रतिशत ज़्यादा है किससे, राजा से, तो 2 तो ज़्यादा है, कितना है 2 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, राजा से, आधार क्या लोगे 5, तो 2/5 गुणे 100 कर दीजिए, वैसे 2/5 40% होता है, इससे काट दीजिए 20 बार 20 दूनी 40%, यानी इतना ज़्यादा है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे आधार आपका परसेंटेज में 7 दिया है, 7 दिया है तो हमें 5 लेना है आधार। सीधी सी जाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादा या कम प्रतिशत, जैसे ज़्यादा प्रतिशत आपको दिया जाए, कम पूछे, तो आपके में एक आधार तो आपको वो देगा ही, तो ये आधार आपको जो दूसरे में पूछेगा उसमें आपको ये आधार नहीं लेना है, आधार आप दूसरा लोगे। और अगर आपको आधार, पहला आधार आपको एक में मिलेगा, दूसरे में दिया जाएगा, वैसे भी आपको बताया है किससे, किससे, राजा से, इसे आधार मानोगे। यहाँ पे क्या पूछा है, बी की ऊंचाई टावर ए से, किससे, ए से, इसे भी आधार मान लोगे, जहाँ पे से या का लगा हो उसे आप आधार मानोगे। वो तो याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि एक आधार देगा, दूसरा आपको दूसरा मानना है, पहला आधार आपको दिया जाएगा, दूसरा आपको जो नहीं दिया जाएगा उसे आप आधार मान लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका 23वां। एक साक्षात्कार पैनल यानी इंटरव्यू पैनल वाले ने पाया कि एक उम्मीदवार ने उनको अपनी हाइट्स के बारे में गलत डाटा दिया है। उसकी वास्तविक हाइट 5'7" है, जबकि फॉर्म में उसने अपनी वास्तविक हाइट से 8 सही 1/3% ज़्यादा हाइट भरी, तो पैनल द्वारा उसकी हाइट को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसकी वास्तविक हाइट उन्हें प्राप्त हो जाए। तो देखिए 8 सही 1/3% क्या होता है आपका 1/12। अब पैनल ने क्या किया है, मानिए आपकी ये आपकी वास्तविक हाइट है, वास्तविक हाइट, और ये आपकी जो है, ये आपने जो गलत डाटा दिया है, ये आपकी गलत डाटा मान लीजिए, ये गलत डाटा है, जो आपने उसे हाइट बताई है वो गलत हाइट बताई है। तो इसके बाद आपको इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे यहाँ से आएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही कि फॉर्म में उसने अपनी वास्तविक हाइट से इतने ज़्यादा बताई, तो इतना वास्तविक हाइट क्या होगी आपकी 1/12, तो 12 से उसने एक ज़्यादा बताया यानी 13 बताई, तो अब वो इसमें कितने की कमी कर दे कि वास्तविक हाइट निकले, एक की कमी कर दे, किस पर कमी कर दे, देखो 12 तो आपका बेस में है ही, किस पर 13 पर, यानी एक की कमी कर दे, किस पे कर दे 13 पे, गुणे 100 बराबर 13 7 91, यानी 7 सही 9/13% की कमी कर दे तो उसकी क्या आ जाएगी, वास्तविक हाइट आ जाएगी। इतना सरल क्वेश्चन था, आराम से आप लोग कर सकते हो इसे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दी है आपको,
क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो तो वैसे भी पूरी वीडियो जितनी ज़्यादा बना दी जाएगी तो आप लोग नहीं देख सकते, ना ही आप देखते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन और ट्रिक्स के साथ।